हाय फ्रेंड्स, अभी मैं आपके लिए जो वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ तो वह इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जनरली हमने ये पाया है कि भाई जून, जुलाई, अगस्त ये बेस्ट मंथ है आपको 70-80% सक्सेस रेट मैंगो ग्राफ्टिंग का, क्योंकि इसमें 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर रहता है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी रहती है जिसे भाप कहते आप, क्योंकि रेनी सीजन का पानी आते रहता है और जमीन पे गिरने के बाद उसका वेपराइजेशन हो जाता है और एटमॉस्फेयर में वो वेपर रहता है, इसलिए उसे कहते हैं ह्यूमिडिटी बेस्ड। तो ह्यूमिडिटी बेस्ड होने के कारण जो हम सायन जो फिट करते हैं उससे वेपराइजेशन नहीं हो पाता, क्योंकि ऑलरेडी सैचुरेशन एयर में वेपर का बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए सायन से वाफ नहीं निकलती और सायन से वाफ छोड़ी नहीं जाती, इसलिए सायन जैसे कि वैसी रहती है। तो ये एक फायदा है जून, जुलाई, अगस्त में करने का और सक्सेस रेट ज्यादा मिलने का। तो दोस्तों, उसके बाद में रेनी सीजन कम कम होते जाता है और जो वेपराइजेशन होता है, ह्यूमिडिटी, वो कम कम होती जाती है, इसलिए आपका सक्सेस रेट ओपन एटमोस्फियर में कम कम होते जाता है सितंबर से अक्टूबर में, नवंबर में। तो दोस्तों, अक्टूबर के 15 तारीख को आपका, अक्टूबर के 29-30 को, 30 तारीख को अक्टूबर के मैंने यहाँ कल में ग्राफ्ट की थी, देखिएगा कल में ग्राफ्ट की थी, जिसमें अभी यहाँ देखिएगा निकलना शुरू है, यहाँ ख्याल में रखिएगा, यहाँ आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी फिर से मैं डाल दूंगा, यहाँ देखिएगा यहाँ ग्रीन है ना, अभी निकलना चालू है। फिर से मैं इसमें कम से कम अभी 4 दिन, अभी क्योंकि आज 20 दिन लगभग हो गया दोस्तों, तो अभी स्पीड कम है, इस पर भी मैं अभी पॉलीथीन ढक दूंगा, क्योंकि तो दोस्तों यहाँ 15 के 15 प्लांट जो है आम के, इनमें 100% अभी सक्सेस रेट दिख रहा है, क्योंकि पूरी सायन जैसी हुई थी, ग्रीन इन कलर है, श्रिंकेज नहीं हुआ है, जिसे अपन बोलते सुरकुती कहते मराठी में, तो इस प्रकार का यानी कुछ भी नहीं हुआ है। तो आपको मैं जैसे बता दिया, यहाँ देखिएगा अभी दोस्तों, एक आपको ये अभी नजर आऊंगा, यहाँ देखिएगा फंगस, तो यहाँ फंगस के लिए आपको फंजीसाइड मार देने हैं, क्योंकि यहाँ बहुत डेंजरस होता है, तो मैं अभी इस पर यहाँ स्प्रे जो इंसेक्टिसाइड का यहाँ मार देता और खोल देता। अभी जैसे ये है तो देखिएगा यहाँ अभी खुल रहा है, निकल रहा है, तो यहाँ देखिएगा दोस्तों यहाँ निकल रहा है। मैं इसका प्लास्टिक इसलिए निकाल दिया कि प्लास्टिक में फंसने के बाद टूटने के चांसेस रहते, इतना जब अंकुर हो गया तो आप निकाल लीजिए और उसके बाद मैं इसे स्प्रे कर देता हूँ ताकि कोई प्रकार का परेशानी उसे ना हो। तो इसमें निकलने का है, लेकिन यहाँ हरा है तो इसे फिर से मैं कैप पहना देता, और यहाँ देखिएगा यहाँ अभी निकल रहा, देखिएगा साइड से निकल रहा दोस्तों, देखिएगा उसका टॉप पार्ट कटा हुआ है, पूरा टोटल उसका अपेक्स कटा हुआ है, तो साइड से निकल रहा है वो। तो इस प्रकार आपको यहाँ देखिएगा स्प्राउटिंग, यहाँ एक स्प्राउटिंग, इस पर मैं अभी स्प्रे कर दिया मैंने इंसेक्टिसाइड का, क्योंकि इंसेक्ट कब इसे चट लेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार आपको स्प्रे कर देने का है, क्योंकि कोई भी कीटक, ये पत्तों पे कर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि कोई भी कीटक पहले पत्तों पे बैठ के बाद में हमला करता है। तो इस प्रकार यहाँ, तो दोस्तों हम ग्राफ्टिंग जो ओपन एटमॉस्फेयर में करते हैं उसके लिए प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती है एज कम्पेयर टू पॉली हाउस। तो अभी मैं इसके पहले मेरे पुराने वीडियो में बता चुका हूँ कि ग्राफ्टिंग करने के बाद में आपके यहाँ कोई पेड़ है, पेड़ के नीचे जैसे यहाँ छाव आती है, सीताफल के पौधे यहाँ पर, इसके नीचे मैंने रख दिया ताकि इसमें हर दिन पानी डालने की गरज नहीं पड़ती। 3-3 दिन के बाद में मैं पानी डालता हूँ इनमें, और
एकदम हर दिन पानी नहीं डालने का, क्योंकि ज्यादा भी पानी कंटिन्यू गीलापन रहा तो वहाँ घातक होता है, क्योंकि इसकी रूट्स डीके हो जाती, सड़ जाती है। तो दोस्तों यहाँ एक प्रिकॉशन है कि आपको पानी कंटिन्यू हर दिन नहीं डालना है, तीन तीन दिन दो दो दिन के बाद में आपको हल्का हल्का पानी डालना है, ताकि यहाँ प्लांट को सफिशियंट हो। तो दोस्तों अभी जैसे मैंने कुछ पॉलीथीन यहाँ नहीं निकाली है, कुछ की पॉलीथीन निकाल दी है, तो इनको निकालना जरूरी था अभी, क्योंकि यहाँ फंस जाती बाद में टूट जाती। अभी कुछ की पॉलीथीन आने की है अभी भी इसकी स्प्राउटिंग, तो उनको वैसे ही रख दिया लकड़ी जैसी के, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि स्प्राउटिंग का समय 15 दिन के बाद में 30 दिन तक होता है। तो आपको उसका स्प्राउटिंग निकलने के लिए आपको कैप इसलिए डालना पड़ता है कि आप वहाँ गर्माहट रहे, गर्मी रहे, हॉट रहे, टेम्परेचर मेंटेन रहे, इसलिए हम ये कैप पहनाते हैं, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा हो गया तो ठंडी में ग्रोथ कम होती है, इसलिए हम ये कैप पहना है। और तो दोस्तों अगर से ठंडी के दिन में भी आपको अगर से ग्राफ्टिंग करना है तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बसरते आपको थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा और छोटा सा पॉली हाउस टाइप का झोपड़ी नुमा पॉली हाउस बनाना पड़ेगा आपको, जो 50 माइक्रोन की झिल्ली आती है उससे आप ऐसी कमानीदार पॉली हाउस बना सकते हैं, और उसको पैक कर दी झिल्ली से, और दिन के वक्त पॉलीथीन को दो डोर दे दिए वहाँ पर, दोनों डोर को खुला रख दी दिन के वक्त। सिर्फ ठंडी का फर्क रात के वक्त प्लांट पे पड़ता है, तो रात के वक्त पूरा पैकिंग कर दिए और दिन के वक्त दो डोर ओपन कर दिए, थोड़ा थोड़ा हवा जाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह पेड़ को लेने के लिए। एट लास्ट सनलाइट तो झिल्ली में से जाएगा ही, क्योंकि पॉलीथीन जो रहती है वह ट्रांसपेरेंट रहती है। तो ये एक फायदा है कि आप इनको कर सकते हैं, छोटा सा अपना पॉली हाउस बना के, दो 4x4 का, 6x6 का पॉलीथीन, या आपके यहाँ अगर कोई रूम हो, खोली हो, जिसमें ग्लास फिट हो और बाहर का लाइट ट्रांसपेरेंट ग्लास से अंदर जाता हो, ऐसे भी जगह आप पैक करके इस प्रकार ग्राफ्टिंग मैंगो का कर सकते हैं, ये भी सक्सेस होता है। तो दोस्तों और जो इसको कब हटाने का मैंने बता दिया, पॉलीथीन कैप को कब हटाने का वो भी बता दिया मैं, कि आपका स्प्राउटिंग हो गया उसके बाद में और आपको केयर लेना है। जब आपका स्प्राउटिंग अगर से उस पेड़ का नीचे से निकलता है, यहाँ देखिएगा स्प्राउटिंग निकल रहा है, तो इसे तोड़ते रहिएगा, क्योंकि यहाँ स्प्राउटिंग अगर से निकल जाएगा आपका तो आपका प्लांट खराब हो जाएगा दोस्तों, ये ख्याल में रखिएगा। यहाँ स्प्राउटिंग आपको तोड़ते रहना है, ख्याल में रखिएगा। और अब रही बात इस पॉलीथीन की जो हमने यहाँ बांधी हुई है, इस पॉलीथीन को आपको कब छोड़ना है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पॉलीथीन जनरली आपको यानी 3 महीने लगभग 90 दिन के बाद में इस पॉलीथीन को ब्लेड से काट के हटा देना है। पर कब? जब यहां पर अगर से 10 से 15 पत्ते डार्क ग्रीन हो गए हैं और 90 दिन हो गए हैं तो आप ये पॉलीथीन को हटा सकते हैं। उस वक्त देखने का इसको खोल के कि इसका जो पूरा ज्वाइंट जो है वहां भर गया है क्या, सेल से जो पैरेंचाइमा सेल रहती है वह फिलिंग ट्रीटमेंट करती है, हीलिंग ट्रीटमेंट करती है, जो घाव जो बना हुआ है यहाँ पर कटाई का वह पूरा भर गया होगा, पूरा जुड़ गया होगा टॉप तक, तो ही आप पूरी पॉलीथीन, अदरवाइज नहीं भरा है तो आप फिर से बांध लीजिएगा, क्यों कि यहाँ फिर उलना चालू हो जाता है और कुछ दिन बाद की कल में मर जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको स्प्रे वगैरह भी करना है इंसेक्टिसाइड का, पत्तों पे कोवले बता चुका हूं मैं। अब इसे आप कभी भी जमीन में प्लांट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट सीजन मैं बताऊंगा आपको, जून जुलाई में अगर से जून में प्लांटिंग करते हैं वो बेस्ट सीजन है, उधर आप अप्रैल में भी इसे प्लांट कर सकते हैं, यानी जमीन में लगा सकते हैं। तो ठंडी में प्लांट जमीन में नहीं लगाने का एक प्रिकॉशन, एक ख्याल में रखने का। तो दोस्तों अगर से आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।